गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम थोड़ी सी टिप्स देखेंगे टू क्रैक नीट 2020. ठीक है, इसमें हम प्रायोरिटी जो दे रहे हैं दैट इज एज अ सब्जेक्ट बॉटनी को दे रहे हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि कैसे हम बॉटनी को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं. तो सबसे पहली चीज़, तो जैसे हमें पता है कि इस साल हमारा नीट जो है वो एम्स और जिपमर को भी इंक्लूड कर रहा है. तो अगर हम एम्स का ट्रेंड देखें तो एम्स के क्वेश्चन पेपर के अंदर ज़्यादा फोकस होता था एनसीईआरटी डायग्राम्स के ऊपर. तो इस बार ये ट्रेंड वो इस एग्जाम में भी फॉलो करेंगे, तो मोर क्वेश्चंस जो होंगे दैट विल बी डायग्राम बेस्ड. तो इसीलिए हमारा जो फोकस है वो ज़्यादा डायग्राम्स के ऊपर होना चाहिए. तो डायग्राम्स को थॉरली रिवाइज कर लो, उनकी लेबलिंग वगैरह अच्छे से देख लो, सारा कुछ. ठीक है, दूसरी चीज़, हमें कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस एग्ज़ाम में कोई जीके नहीं आएगी. That will be truly NCERT based. इसमें कोई GK वगैरह इंक्लूड नहीं होगी. दूसरी चीज़ हम क्या देखते हैं कि किसी भी चीज़ को करने के लिए अपने आप के ऊपर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है. तो सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो है दैट इज़ बिलीव इन योर सेल्फ. अगर आप अपने आप पे विश्वास करते हो तो आधी बैटल तो आप ऐसे ही जीत लेते हो. तो इसलिए बिलीव इन योर सेल्फ, अपने कंसेप्ट के ऊपर, अपने आप के ऊपर पूरा विश्वास रखो. तीसरी चीज़ हम देखते हैं कि इसके साथ कैसे प्रोसीड कर सकते हैं. तो सबसे पहले एनसीईआरटी को अपना बेस मान के चलो. वही एक मेन बुक है जो आपको फॉलो करनी है, दैट इज़ द एनसीईआरटी. उसको अपना बेस बना के चलो, सारे कंसेप्ट वहाँ से रिवाइज करो. ठीक है, दूसरी जो रेफरेंस बुक्स हैं उनके ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है, इसको बेस मान के चलो. देन सेकंड थिंग, कंसेप्ट्स एंड कंटेंट्स फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. एक चैप्टर उठाओ, उसके सारे कंसेप्ट्स और जो कंटेंट्स हैं उनको स्टार्ट से लेके एंड तक पढ़ो. जो चीज़ आपको उसमें लगती है कि इम्पॉर्टेंट है, जैसे कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स मतलब जैसे हम किसी उसको पढ़ते हैं, बायोम को पढ़ते हैं, तो बायोम में दो चीज़ें याद करनी है, मेजर बायोम्स कौन सी हैं हमारी. देन उसने एक डायग्राम के अंदर बताया हुआ है इंडिया के अंदर मेजर बायोम्स कौन सी हैं, तो उन चार कीवर्ड्स को याद रखो तो तुम्हारा टॉपिक वो बिल्कुल तैयार है. तीसरी चीज़ हम देखते हैं एग्जाम्पल्स गिवन. जैसे हम एनिमल किंगडम की बात करें, प्लांट किंगडम की बात करें, तो एग्जाम्पल्स को कैसे याद कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स को कैसे याद कर सकते हैं. जैसे हमने फेओफाइसी की एग्जाम्पल्स याद करनी है इसकी. ठीक है, फेओफाइसिस की एग्जाम्पल्स को याद करने के लिए एक छोटा सा आपको एक ट्रिक बताती हूँ, दैट इज़ द सेल्फ डिफेंस. एक वर्ड हम याद करेंगे, दैट इज़ द सेल्फ डिफेंस. इससे हम इसकी ट्रिक उसको याद कर लेंगे. सेल्फ, एस, एस का मतलब है सार्गासम, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, देन फ्यूकस. ये चार नाम हो गए, एक नाम हम डी से निकालेंगे, दैट इज डिक्टियोटा. तो आपको एक वर्ड याद रखना है और आपको सारी एग्जांपल्स याद हो गई, दैट आर इंक्लूडेड इन एनसीईआरटी. बार बार दोबारा दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक वर्ड याद करो. लेकिन हाँ, अगर हर एक लाइन का ऐसे बनाओगे तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा. तो जो चीज़ें तुम्हें याद करने में डिफ़िकल्टी हो रही है उनका ऐसा कोई भी आप एक वर्ड सा बना लो और उसको याद कर लो. ठीक है, देन डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन, जो मैकेनिज़म्स हैं, जो चीज़ हमें डिटेल में पढ़नी है उसको डिटेल में ही करना है. जैसे हम पढ़ते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर काउंटर करंट मैकेनिज्म, उसके अंदर हमेशा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है. किसी भी चीज़ को हम अप्लाई तभी कर सकते हैं अगर हमें उसके पीछे की थ्योरी पता है, उसके पीछे का कंसेप्ट पता है, तभी हम अप्लाई कर सकते हैं. एंड अगर तुम्हें पता हो तो जो ऑब्जेक्टिव है इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी. तो अगर थ्योरी को अच्छे से करोगे तभी तुम उसको अप्लाई कर सकते हो. एंड द नेक्स्ट थिंग इज स्ट्रक्चर एंड फ्लो चार्ट. ठीक है, जो हम एनसीईआरटी के अंदर कई कंसेप्ट्स देखते हैं उनके फ्लो चार्ट्स बना लो, उनको फ्लो चार्ट की फॉर्म में याद करो. देन कम्स द फंक्शंस एंड डायग्राम्स. ये मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि मोर फोकस शुड बी ऑन डायग्रामेटिक क्वेश्चंस, क्योंकि इस बार वो ज़्यादा फोकस इसी के ऊपर करेंगे. देन समरीज एंड कीवर्ड्स, एक चैप्टर जो है उसको एक पेज के ऊपर समराइज कर लो, ताकि जब एग्जाम देने जाना है उससे एक दो दिन पहले की जो रिविजन है उसके लिए हमें बुक ना उठानी पड़े, सिर्फ हमें क्या करना पड़े, वो समरी देख के और वो कीवर्ड्स देख के पूरा चैप्टर हमारा रिवाइज हो जाए. ठीक है, देन लास्ट में हमारे पास आता है प्रायोरिटाइज. हमने प्रायोरिटी किन चैप्टर्स को देनी है, हमने प्रायोरिटी उन चैप्टर्स को देनी है दैट होल्ड्स मैक्सिमम वेटेज. जो मैक्सिमम वेटेज होल्ड करते हैं उनको हम प्रायोरिटी देंगे और उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे बार 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 बार. ठीक है, तो ये अगर आप 8 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग चलते हो तो मुझे नहीं लगता कि एनसीईआरटी का कोई भी कंसेप्ट, कोई भी चीज़ आपकी अनटच्ड या अनएक्सप्लेन्ड रह जाए.
जाएगी, ठीक है। तो इनको पहले देखते हैं, फिर हम देखते हैं प्रायोरिटाइज, कैसे हम चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, ठीक है। वो मैं तुम आप लोगों को अभी बताती हूँ कैसे करते हैं। तो लास्ट में हमने देखा था कि हम कैसे टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनको देखते हैं, हाई यील्डिंग टॉपिक्स को, जो हमें मैक्सिमम स्कोर देंगे, जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो कौन से टॉपिक्स हैं? बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें दो चैप्टर्स आते हैं, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस एंड एप्लीकेशंस। मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस में से आएंगे और एप्लीकेशन में कम आएंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट, देन इकोलॉजी, इकोलॉजी में लर्निंग पोर्शन ज़्यादा है, चार चैप्टर्स आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे। एवोल्यूशन, एवोल्यूशन वाला चैप्टर आपने याद करना है अलॉन्ग विद ऑल द एग्जाम्पल्स, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस, देन माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है बट इट इंक्लूड्स लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स, तो वो हमने सारी याद करनी है। फिर हमने सारे चैप्टर्स को तीन फेजेस में डिवाइड किया है, तो अब मैं तुम्हें बताऊंगी इन फेजेस को, इन चैप्टर्स को अलग अलग फेजेस में क्यों डिवाइड किया है। तो सबसे पहले फेज हमारे पास जो आती है, इसमें चैप्टर्स आते हैं सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। ये सारे चैप्टर्स जो है दे आर टोटली कंसेप्ट बेस्ड, तो इनके अंदर 70% जो है वो चैप्टर कंसेप्चुअल है। अगर कंसेप्चुअल है चैप्टर तो इसके ऊपर क्वेश्चन जो आएगा दैट विल बी एप्लीकेशन बेस्ड। तो हमें हरेक फिनामिना को अप्लाई करना आना चाहिए। तुम्हें पता है कि ऑब्जेक्टिव इज ऑल्सो द एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी, तो अगर हम अप्लाई करेंगे तो ही हमें प्रैक्टिस होएगी इन क्वेश्चंस की। तो इनके हमने कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं, जैसे सेल साइकिल है, ठीक है, काउंटर करंट मैकेनिज्म है, ये सारे हमने जो है सारे कंसेप्ट्स अपने पूरे अच्छे से क्लियर कर लेने हैं, फिर उनको अप्लाई करके देखना है, ठीक है। एंड थोड़ा सा इसमें लर्निंग वाला पोर्शन होएगा, जो एग्जांपल्स वगैरह है, हॉर्मोन्स के नेम्स हैं, वो हमें लर्न करने पड़ेंगे। फेज टू, इसमें आता है इकोलॉजी, एवोल्यूशन, एनिमल टिश्यू एंड कॉकरोच, देन तुम्हारे पास आता है बायोमोलिक्यूल्स। ये वाला चैप्टर जो है, ये वाले जो हैं, इसमें हमने क्या करना है, एनसीईआरटी के साथ साथ थोड़ा बहुत हमने बाहर से भी देखना है। जैसे क्या, जैसे इकोलॉजी के अंदर उन्होंने आपको दिया है कि स्टीनोथर्मल क्या होता है, यूरीथर्मल क्या होता है, लेकिन एग्जाम्पल नहीं बताई। अगर एग्जामिनर ने वहां पे एग्जाम्पल पूछ ली तो दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए क्या करना है, हमने इनके एग्जाम्पल्स को किसी और बुक में से नोट करके साथ में नोट्स के अंदर इनकलकेट करना है, ताकि जब लास्ट मिनट रिवीजन हो तो एग्जाम्पल हमारे बिल्कुल सामने हो, ठीक है। थर्ड फेज में हमारे पास आता है डाइवर्सिटी, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, मिनरल न्यूट्रिशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये जो फेज थ्री के चैप्टर्स हैं, इसमें तुमने कंप्लीटली फोकस करना है एनसीईआरटी के ऊपर, और कहीं से कुछ देखने की जरूरत नहीं है। जैसे हम मॉर्फो तैयार करने जा रहे हैं, तो इसमें हमारा ज्यादा फोकस होएगा फ्लोरल फॉर्मूला के ऊपर और सारी एग्जाम्पल पल्स के ऊपर, ठीक है। तो ये सारे जो चैप्टर्स हैं, इनमें कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, कभी आज तक कहीं बाहर से नहीं आया, तो एनसीईआरटी पढ़ लो, तो ये आपका सारा प्रिपेयर है। तो इन तीनों फेजेस के अकॉर्डिंग अगर तुम चैप्टर तैयार करोगे, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा कोई भी चैप्टर अनटच्ड या कोई भी कंसेप्ट तुम्हारा अनएक्सप्लेन्ड रह जाएगा। तो फेज वन में हमने बेसिक फोकस किया ऑन द कंसेप्ट एंड इट्स एप्लीकेशन। फेज टू में हमने बेसिक फोकस किया ऑन एनसीईआरटी, प्लस जो एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में नहीं है उनको अपने नोट्स में इनकलकेट करके याद करना। फेज थ्री में हमारा कंप्लीट फोकस है ऑन एनसीईआरटी, इधर उधर कहीं पे भी हमने नहीं देखना, ठीक। उसके बाद इन सबको तैयार करने के बाद क्या करना है, यू हैव टू सेल्फ स्टडी। जितनी सेल्फ स्टडी करोगे उतना ही ज़्यादा, देखो कितना भी कुछ कर लो, जब तक खुद हम पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी मार्क तक नहीं पहुंच सकते। देन मार्केट के अंदर तुम्हारे पास 31 ईयर के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, 15 ईयर के अवेलेबल है, बट यू हैव टू सॉल्व ओनली लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर्स, और तुमने उस ट्रेंड को देखना है कि वो क्या ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं। देन एमसीक्यूज को सॉल्व करो, देन रिवाइज
एंड री रिवाइज। री को मैंने नीचे करके इसलिए लिखा है ताकि तुम्हारा इसके ऊपर अच्छे से ध्यान जाए कि हमने कंसेप्ट्स को री रिवाइज भी करना है, एक बार नहीं रिवाइज करके छोड़ देना है, री रिवाइज करना है। क्योंकि ये तो साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि जिस चीज़ को हम ज़्यादा पढ़ते हैं वो हमारे दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाती है। तो जितना रिवाइज करोगे एग्जाम्पल्स को उतनी वो ज़्यादा तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगी। टाइम मैनेजमेंट, दैट इज़ द की टू क्रैक दिस एग्जाम। अगर टाइम मैनेज करना नहीं आता तो चाहे सारा एग्जाम आता हो फिर भी हम पीछे रह जाते हैं। तो टाइम को मैनेज करो, किस सब्जेक्ट को कितने टाइम देना है वो अपना ध्यान में रखो। देन जब लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो तो घड़ी सेट करके 3 घंटे का टाइम दो, 3 घंटे से ऊपर अपने आप को एक भी मिनट नहीं देना। फिर देखो कि लास्ट टाइम मैंने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे और इस बार मेरे कितने हुए हैं, और उसमें एक्यूरेसी भी देखो कि तुम हमारी एक्यूरेसी रेट कितना है। देन कंपेयर योर सेल्फ। देखो जब तक हम अपने आप को कंपेयर नहीं करेंगे अपनी पिछली परफॉर्मेंस के साथ तब तक हम इम्प्रूव नहीं कर सकते। इसीलिए अपने आप को कंपेयर करो कि पिछली बार मेरा क्या स्कोर था, मतलब जब मैंने पिछला लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था इस बार मेरा क्या स्कोर है। ऐसे करेंगे हम तो ये चीज़ हमारी बिल्कुल भी पीछे नहीं रहेगी। इट विल बी ऑल प्रिपेयर्ड एंड ऑल सेट टू क्रैक नीट एग्जाम। तो अब हम थोड़े से टूल्स देखते हैं जिन टूल्स को यूज़ करके हम अपनी बायोलॉजी को और भी ज़्यादा ईजी बना सकते हैं। पहला इसमें टूल में आता है हमारे फ्लो चार्ट्स, हमारे टेबल्स, हमारे मैप्स जो हमारी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। अगर नहीं भी दिए हुए तो हम उनको खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे हम छोटे से उसकी बात करते हैं कि जैसे हम बात करते हैं उसकी क्या कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारे पास दो तरह की होती है। एक को हम कहते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, दूसरी को हम कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। दिस इज़ ड्यू टू बी सेल्स एंड दिस इज़ ड्यू टू टी सेल्स। तो हम इसका फ्लो चार्ट बना के बताती हूँ मैं कैसे बना सकते हैं। तो जैसे ही कोई एंटीजन जो है वो रिकॉग्नाइज होता है बाय बी सेल्स, तो बी सेल्स एक्टिवेट होने के बाद दो काम करते हैं। पहला काम वो करेंगे प्रोलीफरेट, दैट इज डिवाइड। डिवाइड करके वो दो सेल्स में डिवाइड होंगे। कौन कौन से सेल्स में? एक बनाएंगे बी प्लाज्मा और दूसरे बनाएंगे बी मेमोरी सेल्स। तो जो बी प्लाज्मा सेल्स हैं इनका फंक्शन क्या है? इन्होंने एंटीबॉडीज बनानी है। किसके अगेंस्ट बनानी है? इस एंटीजन के अगेंस्ट जिसने हमारी बॉडी के ऊपर अटैक किया है। तो एंटीबॉडीज बना के ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे। दूसरी चीज़, इनका लाइफ स्पैन जो है वो बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से जितनी देर रहेंगे मिलियंस ऑफ एंटीबॉडीज बना देते हैं अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर एंटीजन। और जो बी मेमोरी सेल्स हैं इनका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा होता है। ये क्या करते हैं? याद रखते है इस एंटीजन को कि इसने पहले भी मेरे ऊपर अटैक किया था। तो जब सेकंड एनकाउंटर होएगा विद द सेम एंटीजन तो हमारी बॉडी को आधा टाइम लगता है उस एंटीजन को बाहर निकालने के लिए। तो देखो अब हमने क्या किया, इस टेबल में दो चीजें देख ली कि जब बी सेल एक्टिवेट होता है तो एक तो वो प्रोलिफरेट करेगा, दूसरा वो डिफरेंशिएट करेगा। ठीक है, तो उसमें हमने देख लिया कि दो सेल्स है बी प्लाज्मा एंड बी मेमोरी। अगर इसको लाइंस में लिखते, इतना बड़ा पैराग्राफ बना लेते तो शायद इतनी जल्दी याद ना होता, लेकिन हमने एक छोटा सा टेबल बनाया और उसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में याद कर लिया। और हमें दोनों के फंक्शन याद है, बी प्लाज्मा एंटीबॉडी बनाएगा, लाइफ स्पैन कम है, बी मेमोरी मेमोराइज करेगा, लाइफ स्पैन इसका ज्यादा है। दूसरी चीज डायग्राम्स, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि डायग्राम्स जितनी भी एनसीईआरटी के अंदर हैं उनके ऊपर फोकस करो, उनकी लेबलिंग, उनकी सारी एक्सप्लेनेशन अच्छे से याद करो। तीसरा है कुछ ट्रिक्स हैं हमारे पास, जिन ट्रिक्स को फॉलो करके हम अपनी बायोलॉजी को और ईजी बनाते हैं। वैसे तो बहुत सारी ट्रिक्स हैं लेकिन हम थोड़ी बहुत डिस्कस करते हैं यहाँ पे। जैसे सबसे पहले आती है टर्मिनोलॉजी, जिसमें हमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है, तो कैसे याद करें? जैसे हमारे पास 4 टर्म्स हैं, यूनिसेक्शुअल, बाईसेक्शुअल, देन हमारे पास आता है मोनोइशियस, देन हमारे पास आता है डायोशी। तो कैसे याद कर सकते हैं? यूनि का मतलब है सिंगल, तो एक ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेक्स प्रेजेंट होएगा। बाई का मतलब है दो, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है। तो इसको तो याद रखना कोई खास मुश्किल नहीं है। अब कन्फ्यूजन आता है मोनोइशियस और डायोशियस में, तो क्या ट्रिक है? मोनोइशियस मतलब मैरिज में दोनों हस्बैंड वाइफ साथ साथ रहते हैं, तो इसमें दोनों तरह के जो सेक्सेस होंगे वो एक ही ऑर्गेनिज्म में मिलेंगे। देन डायोशियस, डी से याद रखो, डाइवोर्स, डाइवोर्स में हस्बैंड वाइफ अलग अलग हो गए, तो डायोशियस का मतलब है
मेल जो होएगा दैट विल बी इन सेपरेट एंड फीमेल जो होएगी दैट विल बी सेपरेट। तो दो वर्ड्स याद रखे हमने और हमें सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई। यूनिसेक्सुअल जिसमें सिंगल सेक्स प्रेजेंट होएगा एक ऑर्गेनिज्म में, बाइसेक्सुअल एक ही में दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होंगे, मोनोइशियस दोनों एक ही में प्रेजेंट है एंड डायोशियस मतलब मेल अलग है फीमेल अलग है। देन अगर हमने याद करनी है दूसरी चीज, दूसरी ट्रिक बताते हैं, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है उसको याद करने के लिए एक छोटी सी वो है, दैट इज सीटी मॉल में रेखा पगी। तो कैसे याद कर सकते हैं, पहला क्या है सेल टाइप, कौन सी सेल टाइप है, टी का मतलब है थैलस, एम का मतलब है यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन के न्यूट्रिशन का मोड कैसा है, आर से याद रखेंगे रिप्रोडक्शन एंड पी से याद रखेंगे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप उनके बीच में क्या, ठीक। देन एक और चीज छोटी सी बताती हूँ, दैट इज सीरीज जो हमारे पास है और उसकी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की सीरीज, उसके लिए हम क्या याद रखेंगे, उसके लिए हम याद रखेंगे एक वर्ड दैट इज एक लाइन, कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। तो कैसे याद रखें इसको, के से हमारे पास है किंगडम, पी से हमारे पास है फाइलम, सी से हमारे पास है क्लास, ओ से हमारे पास है ऑर्डर, फ से हमारे पास है फैमिली, जी से हमारे पास है जीनस, एस से हमारे पास है स्पीसीज। तो एक लाइन याद रखी और हमें ऑर्डर भी याद हो गया कि कैसे हम याद कर सकते, किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीसीज, एंड लाइन है कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। तो ये थोड़ी सी ट्रिक्स हैं जिनको हम यूज करके जो चीजें हमें मुश्किल लगती हैं याद करनी उनको हम इजी बना सकते हैं, बट अगर हरेक लाइन में हरेक कंसेप्ट में हम इनको लेके आएंगे तो लेटर ऑन हमें कंफ्यूजन हो सकता है। इन ट्रिक्स को हम उसी के लिए यूज करेंगे जो हमें चीजें डिफिकल्ट लगती है। अगर आपको ऐसी और ट्रिक्स और टूल्स जानने हैं जिसके साथ आप अपना नीट क्रैक कर सकते हो, डेफिनेटली क्रैक कर सकते हो, तो हमारे एस ट्यूटोरियल्स आइए, यहाँ पे आपको डाउट सेशन, डाउट क्लैरिटी, कंसेप्ट क्लैरिटी, हर एक चीज़ की हम एश्योरिटी देते हैं और ऐसी आपको ट्रिप्स और ट्रिक्स भी बताई जाएंगी, टिप्स और ट्रिक्स जिनसे हम नीट को क्रैक कर सकते हैं। सो इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक, और एस ट्यूटोरियल्स विजिट कीजिए। थैंक यू।